भाई लालच बहुत ही बुरी भला होती है। अब देखो हम यहाँ से गाड़ी लेके जा ही रहे थे, लेकिन तभी मुझे दिखता है ओपन में एक बंदा जो कि ऑफलाइन था, और जैसे ही मैं इसको नीचे कूदता हूँ मारने के लिए, देखो मेरे साथ क्या होता है। तो देखो भाई आ चुका है तुम्हारा भाई एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापस, और आज अपन जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हमेशा जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक नई बात ये होने वाली है कि अब से अपन कोशिश करेंगे भाई हर संडे अपना गेम प्ले आ जाए, क्योंकि पता नहीं भाई यूट्यूब ने क्यों सबके शॉर्ट्स की रीच डाउन कर दी है, और सबके ही किए, मेरे अकेले के नहीं किए, जो कि देख के मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अगर अकेले मेरा किया होता भाई अब तक तो मैं डिस्प्रेशन में चले गया होता। खैर छोड़ो, अपने धंधे पानी के वैसे भी लगे हैं, इसीलिए अपन अब से कोशिश करेंगे कि हर संडे अपना गेम प्ले आ जाया करे। फिलहाल अपने टीममेट ने आज जिंदगी में पहली बार लैंडिंग सही कराई है, तो बंदे पहलते हैं। भागो भाई भागो, अगर किसी बंदे ने देख लिया ना तो मार मार के मेरा जूस बना देगा। भाई मेरे को भी पता है मैं वहाँ पे कितनी तेजी से भागा हूँ, क्योंकि भाई अगर वहाँ पे किसी बंदे ने मेरे को देखा होता तो अब तक तो मैं प्लेन में होता। खैर उन दोनों बंदों को मैं बहुत ही आराम से मार देता हूँ, और उनको मार के मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी मेरे को दिखता है ये वाला बंदा जिसको कि मैं नहीं मार सकता भाई, नहीं मार सकता। ये देखो, अब एक बार को तो इसको मारने के लिए नीचे कूद जाता हूँ, लेकिन भाई जैसे ही नीचे की तरफ कूदता हूँ मेरी वापस से फट जाती है, तो मैं फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि भाई तुमको तो पता ही होगा यहाँ पे कब कौन कहाँ से मारेगा कुछ घंटा नहीं पता होता है, इसके लिए हम फटाफट से सबके सब ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि भाई अपने पास लूट वगैरह के नाम पे घंटा कुछ भी नहीं है, बस एक ये UMP है जिसमें ज्यादा एमओ नहीं है, और इससे मैं घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। चलो भाई चलो, DP मिल गई है जिसमें ज्यादा एमओ नहीं है, लेकिन ठीक है यार इससे काम चलाना पड़ेगा। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी मेरे को दिखता है एक बंदा जो कि आराम से स्केटिंग कर रहा था। अबे भाई डर नाम की चीज है कि नहीं है। बच गया भाई, ये बच गया, ये भी बच गया, लेकिन अब ये नहीं बचेगा जो स्केटिंग करके जा रहा है। अब इस बंदे की किस्मत दिखते हम झाड़ू जैसी है। खैर मेरे को क्या, मैंने इसको पेल दिया, और मैं बातों बातें में तुमको बताना भूल ही गया कि इस गेम प्ले के लास्ट में भाई मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ है जहाँ पे मैं एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को मारने के चक्कर में भाई मेरा पूरा का पूरा गेम प्ले बर्बाद होने वाला है। खैर ये तो तुमको अभी लास्ट में पता चली जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं पेलता हूँ भाई जरा एक दो बॉट को, क्योंकि ये आपस में कब से लड़े जा रहे हैं, मेरे रहते हुए आपस में लड़ रहे। रुको अभी बताता हूँ इनको। अब इस वाले बॉट को मैं यहाँ पे जैसे ही मारता हूँ भाई, पता नहीं मेरे टीममेट को क्या खुजली मस्ती है कि वो अकेले नीचे की तरफ कूद जाता है, और उसके बाद ये देखो कितनी बार समझाया इस डार्किंग को अकेले मत जाया कर, लेकिन नहीं। अब ये मर ही गया है तो इसका बदला भी तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं अपने टीममेट से थोड़ा नेट वगैरह मांग लेता हूँ, ताकि अगर किसी बंदे का अंगूर वगैरह फोड़ना हुआ तो ज्यादा सोचना ना पड़े, सीधा उसके कच्चे में फेंक दूंगा, और उसके अंगूर के साथ साथ उसके केले भी निकल जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को नीचे वाले बंदों पे पुश करना था, तो अपने पास जितना भी बचा खुचा दिमाग था अपन सब लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि भाई सामने वाले बंदों ने भी उतना ही दिमाग लगाया है जितना हमने लगाया है। ये देखो भाई, ये हरामखोर कहाँ से आ गया, रुको इसको घुस के फेंकता हूँ। बच गया भाई बच गया, जैसे तैसे करके मेरे टीममेट ने यहाँ पे मेरे को बचा लिया है, बस एक बार रिवाइव हो जाने दो, उसके बाद देखता हूँ बाकी के बंदों को। चलो अब मैं यहाँ पे रिवाइव हो चुका हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ भाई कुछ बंदे हम पे पुश करने लगते हैं, तो अब बारी आती है इनकी। अब इस वाले बंदे को यहाँ पे मेरे टीममेट ने मार दिया, लेकिन यहाँ पे एक बंदा चुपचाप आके बैठ गया है, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन ना 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 भाई मैंने इसको देखा है, और अब मैं इसके अंगूर भी फोड़ूंगा, बस तुम देखते जाओ। थैंक यू। अबे यार ये पहले वाले से बच गया, कोई बात नहीं दूसरे वाले से तो फूट ही जाएगा। अबे यार ये दूसरे वाले से भी बच गया, अगर इस तीसरे वाले से भी नहीं फूटा तो मैं खुद के अंगूर निकाल के फेंक दूंगा। फूट गया भाई फूट गया। अब वहाँ पे तो मैंने उस बंदे को नॉकआउट कर दिया, लेकिन अब बारी आती है उस पे पुश करने की, तो चलते फटाफट से उसके ऊपर है, उसके ऊपर चलते हैं भाई, चलते फटाफट से चलते पुश करने के लिए, वरना वो रिवाइव हो जाएगा तो किल भी जाएगा, और बाद में पता चला कि मैं पिल भी जाऊँ, इससे अच्छा चलते फटाफट। करो ना तुम बचाने के लिए, तो आ सको बंदा क्लोज में, तो वहीं पर आ रहा हूँ।
Watch out. Watch out. अब इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मुझे पता है भाई मैंने बहुत गंदा आ गया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होके आ जाता हूँ ये साइड। अब यहाँ पे आने के बाद भाई मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो मुझे लगा कि ये बंदा होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तभी ये देखो, लेकिन ये तो निकलते अपने बॉट भाई साहब। खैर इस बॉट को मैंने यहाँ पे पेल दिया और उसके बाद फटाफट से हम आ जाते हैं ये साइड, क्योंकि भाई ये साइड काफी टाइम से बंदे आपस में लड़े जा रहे थे, तो हमने बोला हम क्यों पीछे रहे, हम भी फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे। Awesome. अब यहाँ पे आने के बाद ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस एक ही किल मिलता है, बाकी के बंदों को मेरे टीममेट मार देते हैं, तो हम उठाते अपनी गाड़ी और आ जाते हैं ये साइड। अब यहाँ पे मस्त मैं अपना स्केटिंग करते हुए जोन में जा रहा था, मुझे लगा यहाँ पे कौन ही होगा भाई जो इतना जोन के बाहर रुकेगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ मुझे कुछ बंदे दिखते हैं जो कि शायद रैंक पुशर थे या फिर शायद ये यासना वगैरह लूट के जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बस मेरे को इतना पता है कि इन बंदों को मेरे को पेलना है, तो मैं जैसे आगे की तरफ आता हूँ तभी मेरे को ये दोनों बंदे दिख भी जाते हैं, और फिर देखो इनके साथ अभी मैं क्या करता हूँ। Dragon, slow down. दोनों अच्छे बंदे। अब ये जो दो बंदों को मैंने मारा है ना भाई, इनके पास लूट बहुत ही खतरनाक थी, मेरे को लगता है भाई ये इवेंट से सीधा बच के जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके कोशिश को मैंने कामयाबी में बदल दिया और सीधा लॉबी भेज दिया। खैर अब यहाँ पे इन बंदों को मार के हम फटाफट से यहाँ पे लूट ही रहे थे और बस लूट के निकलने वाले थे, लेकिन तभी हमारे भाई साहब आ जाते हैं। अब ये भाई साहब को मारने के बाद भाई हम उठाते फटाफट से अपनी बग्गी और आ जाते ये साइड। अब हम यहाँ पे जैसे आते भाई हमें कुछ बंदे मिल जाते जो कि यहाँ पे काफी टाइम से शायद होल्ड वगैरह करके बैठे थे, तो पेलते इनको। अब यहाँ पे मैंने इनके एक बंदे को नॉकआउट कर दिया और ये देखो इनके दूसरे वाले बंदे को, अभी कहाँ भाग रहा है भाई। अब भाई यार भाई बस थोड़ा सा बच गया, खैर ये रैंक का तीसरा बंदा। अब दो बंदे यहाँ पे मैंने इनके नॉकआउट कर दिए, लेकिन अब बारी आती इनके तीसरे वाले बंदे की जो कि मेरे हाथों से बच के निकल गया था। अब भाई उस वाले बंदे को हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद वो आगे की तरफ से गाड़ी वगैरह उठा के यहाँ से निकल गया था, तो हम भी फटाफट से आ जाते ये साइड और उठाते अपनी गाड़ी और यहाँ से निकल जाते। अब ये जो जोन था वो मिलिट्री बेस और नोवो के बीच में बना था, और जब भी ऐसा जोन बनता है तो भाई ब्रिज पे तो बंदे मिलते ही है, तो यही सोच के हम आ जाते हैं ब्रिज के साइड, और हम यहाँ पे जैसे ही आते भाई हमें बंदे मिल भी जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, सब बंदे जोन के अंदर भागते ये जोन के बाहर भाग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब वो वहां से गया है तो वापस भी तो वहीं से आएगा ना, तब इसको देख लेंगे, और थोड़े टाइम बाद ये वापस आता भी है ये देखो। अबे यार फिर से बच गया ये, लेकिन कब तक बचेगा भाई, आगे जाके तो ये कहीं ना कहीं रुकेगा ही, तब इसको देखता हूँ। अब ये पीछे वाले बंदों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ये बाइक वाले को देखता हूँ जो कि दो बार मेरे हाथों से बच गया, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। अब इस वाले बंदे को तो मैंने यहाँ पे मार दिया, बहुत बाइक लेके यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन अब बारी आती इन बंदों की। बच गए भाई, बच गए ये, बच गया भाई, मैं भी बच गया। एक दो नेट यहाँ पे फेंक देता हूँ, उसके बाद निकल लेते पीछे हीलिंग वगैरह करके, उसके बाद आएंगे। हीलिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बारी आती इन पे रश करने की, और जैसे मैं इन पे रश करता हूँ भाई देखो मेरे साथ क्या होता है। अब इस बंदे ने तो मेरे को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट इनको बहुत ही आराम से मार देते हैं, तो हम उठाते हैं गाड़ी और आ जाते हैं ये साइड। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है मेरा गेम प्ले बर्बाद। अब वो कैसे मैं तुमको बताता हूँ। अब देखो चुपचाप हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, लेकिन तभी मुझे दिखता है ओपन में एक बंदा जो कि ऑफलाइन था, तो मैंने बोला कि इससे पहले मेरे टीममेट देखे और मेरा किल चुराए मैं उतर के इसको मार देता हूँ, और जैसे मैं उसको मारता हूँ देखो मेरे साथ क्या होता है।
देखा, इसको बोलते हैं भाई लालच बहुत ही बुरी चीज है। अगर मैं वहाँ कवर में लेके जाके गाड़ी रोकता तो शायद हम वहाँ पे बहुत ही आराम से बच जाते। खैर आज के इस वाले गेम प्ले में बस इतना ही। बाकी तुमको गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुमको ये वाला गेम प्ले जरा सा भी पसंद आया है तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि भाई मैं अगला गेम प्ले जैसे डालू सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। बाकी अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ।